नेशनल गेम्स के 37वें सीजन की शुरुआत 25 अक्टूबर से हो चुकी है। नेशनल गेम्स की ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुई। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले इस खेल मेले में विभिन्न खेलों के लगभग 10,000 एथलीट भाग लेंगे। गोवा में जन्मी भारतीय पेशेवर विंड सर्फर कात्या ईडा कोल्हू ने प्रधानमंत्री को मार्शल सौंपी। पीएम ने मार्शल का स्टेज पर स्थापित करने के बाद दर्शकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत साल 2030 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। गोवा में जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इससे नए खिलाड़ियों को तैयारी करने का मौका मिलेगा। परिवारजनों, ये राष्ट्रीय खेल ऐसे समय में हो रहे हैं जब भारत का खेल जगत एक के बाद एक सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। 70 सालों में जो ना हुआ वो इस बार हमने एशियाई खेलों में होते हुए देखा है। और अभी एशियन पैरा गेम्स भी चल रही है, इनमें भी भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 70 से ज्यादा मेडल जीतकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पहले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, इसमें भी भारत ने एक नया इतिहास रच दिया। ये सफलताएं यहां आए हर खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये नेशनल गेम्स एक प्रकार से आपके लिए, सभी नौजवानों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत लॉन्च पैड है।